तो अगेन थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन। देन हमारा दोस्तों अगला जो प्रेजेंटेशन है मिस्टर पार्थ सारथी जी फ्रॉम विशाखापट्टनम विजाग, वो एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर है और लास्ट उनका जो प्रेजेंटेशन हुआ था टाटा इलेक्सी का, उसको आप सबने बहुत प्यार दिया और टाटा इलेक्सी का एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन के बाद HDFC AMC का प्रेजेंटेशन लेके पार्थ सारथी जी आए हैं। तो मैं पार्थ सारथी जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो HDFC AMC जो एक मल्टीबैगर स्टॉक है, अच्छे ग्रोइंग इंडस्ट्रीज से है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में, तो HDFC लीडर है, तो HDFC AMC के बारे में हमें जानकारी दे और हम बाय करें क्या करें, ये सभी इन्वेस्टर्स को गाइड करें। सो आई वेलकम पार्थ सारथी जी। थैंक यू मिलिंद जी। मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। माय नेम इज पार्थ सारथी फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम फैमिली विशाखापट्टनम से आपका सबका स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे अभी HDFC AMC का Q2 रिजल्ट्स का है। थैंक यू मिलिंद जी एंड थैंक यू पीयूष जी। अब देखेंगे Q2 का एनालिसिस में क्या चल रहा है करके। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग पूरा एसेट मैनेजमेंट को देखेंगे तो 2017 20 ट्रिलियन था, अभी 2022 ओके उसमें से 38 ट्रिलियन हो गया। मतलब क्या है, अभी का फिलहाल है अराउंड 40 ट्रिलियन से, मतलब 5 ईयर्स में उसमें से डबल हो गया अपना म्यूचुअल इंडस्ट्रीज का। इसमें से बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में म्यूचुअल फंड, उसमें से जो मेजर देखेंगे हम लोग, जो नंबर वन का इसका आ रहा है, इसमें से SBI म्यूचुअल फंड का 17% है उसमें, और नेक्स्ट आ रहा है अपना को ICICI प्रूडेंशियल 12% है, HDFC 11% है, रिलायंस निप्पन का 7% है, आदित्य बिरला 7% है, कोटक महिंद्रा 7%, एक्सिस म्यूचुअल फंड 6% एंड UTI 6%। दीज आर द मेन अपना को, बाकी बहुत सारी कंपनी से अराउंड 40 कंपनी से, मगर दिस 6-7 आर वेरी इंपॉर्टेंट अपना को। अगर इसमें देखेंगे तो जो मार्केट शेयर है, इसमें से जो मार्केट कैप आएगा, मार्केट कैप है इसको 83,500 को उसका है पूरा मार्केट कैप। उसमें से जो HDFC है अराउंड 53% का है और निप्पान का है 20%, UTI 11% एंड आदित्य बिरला का है 15% है इसमें से। अब देखेंगे तो मार्केट कैप होने के बाद सेल्स है, सेल्स में भी HDFC म्यूचुअल फंड अराउंड 35% है, और बाकी जो मेन तीन है रिलायंस निप्पान और आदित्य बिरला UTI अराउंड 22% का उसको से शेयर्स है इसमें सेल्स में। अब देखेंगे सेल्स होने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो HDFC का है मेन 1,393 करोड़ का है, और नैम इंडिया है 743 करोड़ उसका प्रॉफिट, और आदित्य बिरला का 673 करोड़, और UTI 535 करोड़ है इसमें से। अब देखेंगे उसका बाद में थर्ड पैरामीटर हो गया, फोर्थ पैरामीटर रिलायंस, इसका जो है अपना को ROPE, ROPE में किसका कितना कितना है, इसका हिस्सा है। देखिए इसमें भी HDFC का AMC का 13 है, और उसका बाद में आदित्य बिरला का 4.7, UTI का 4, और नैम इंडिया का अपना को 1.1 है। उसका बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन में इसमें से अच्छा होता है क्योंकि वो AMC का है, इसमें से भी नंबर वन है HDFC का अराउंड 66% HDFC का होता है, और रिलायंस का अराउंड 59%, आदित्य बिरला का 52% एंड UTI का 40% है। उसके बाद इसका पैरामीटर को देख के HDFC नंबर वन है इसमें। अगर इसका हिस्ट्री को देखेंगे तो 2001 से शुरू किया, 2001 से लेकर 2022 का, मतलब अभी 21 ईयर्स का अराउंड 30% CAGR के मुताबिक 264 टाइम्स उसको डबल बढ़ गया उसमें से। अगर प्रॉफिट को देखेंगे तो प्रॉफिट फर्स्ट ईयर थोड़ा सा कम हुआ, मगर बातें जाते उसमें से बहुत अच्छा स्पीड पकड़ा, अराउंड 29% इसका CAGR से बढ़ गया, 168 टाइम्स हो गया इन लास्ट 20 ईयर्स में प्रॉफिट है।
देखिए अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो इनिशियल में अराउंड 26% है, मगर सिंस लास्ट 5 ईयर्स में 37% से लेके 72% तक भी उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया। अगर रिजर्व को देखेंगे तो देखिए 2002 में 1 करोड़ से लेके अभी 5,423 करोड़ से, मतलब कितना 5,400 टाइम्स उसको रिजर्व बढ़ गया उसका सा। अब देखिए अभी मेन मुद्दा आ गया हिस्टोरिकल ग्रोथ। हिस्टोरिकल ग्रोथ देखेगा तो जो इनिशियल जो स्टेज है जब से शुरू किया था वो 20 इयर्स का, 15 इयर्स, 10 इयर्स, 5 इयर्स, 3 इयर्स। अगर सेल्स को देखेंगे तो जो इनिशियल स्टेज जो शुरू किया था वो 23% हुआ, उसके बाद में 18% आ गया, 12% हो गया, 7% हो गया, सिंस लास्ट 3 ईयर्स से 3% आ गया सेल्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री थोड़ा म्यूटेड पे है। दी सेम वे प्रॉफिट देखेगा तो पहले 29% है, 22% हो गया, 18% है, 20% है, सिंस अभी 14% चल रहा है सिंस लास्ट 3 ईयर्स। दी सेम वे ईपीएस आल्सो। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या चल रहा है। अभी जो मेन है अपना को H1 का रिजल्ट का, H1 का रिजल्ट का देखेंगे थे लास्ट ईयर से लेके इस ईयर का जो सेल्स है अराउंड 2% इंक्रीज हुआ, मगर प्रॉफिट है 2% माइनस में आया। ईपीएस आल्सो 2% माइनस में आया था इसका अभी भी H1। अगर इस मुताबिक अगर करंट ट्रेंड को देखे, मतलब करंट ट्रेंड बोले तो क्या है पिछले लास्ट 4 क्वार्टर्स में क्या चल रहा है उसी हिसाब से हम लोग एस्टिमेशन कर सकता है। उस हिसाब से देखेगा तो जो सेल्स है 9% 9 मंथ्स में 18% है, ईयर एंड का 14% हो गया, Q1 में 3% है और H1 में 2% है। अगर प्रॉफिट को देखेगा तो 9% 9 मंथ्स में 4% है एंड ईयर एंड में 5% है, Q1 में -9% हो गया, अभी थोड़ा सा सुधार के -2% हो गया। तो मतलब क्या है प्रॉफिट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा था। मार्जिन है सेम है अराउंड 65% टू 68% चल रहा है और ईपीएस है, ईपीएस इज रिफ्लेक्टेड टू प्रॉफिट है, वही 4% 5% -9% 2%। H1 का जो रिजल्ट को देख के Q1 रिजल्ट को देख के हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं इस साल का पूरा फ्लैट है, मतलब 0-0 होगा, सेल्स भी 0% है, प्रॉफिट भी 0% है और मार्जिन 65%, मतलब पिछले साल का जो जो रिजल्ट है वही रिजल्ट हम लोग उम्मीद कर रहे हैं इस साल आल्सो। अब देखेंगे तो डिविडेंड है दोस्तों, एक खास बात बताता हूँ जो दिस इज द एक्चुअल फिगर्स है वो लोग से दिया। देखिए 2018 में 56% दे रहा था, वो इम्प्रूव होके होके अभी 64% हो गया। अभी इस साल में भी वो लोग 42 रुपीज का डिविडेंड दिया था पर शेयर। अब देखेंगे ओवरऑल हाईलाइट देखेंगे तो सिंस लास्ट 3 ईयर्स द इंडस्ट्री ग्रोथ इज म्यूटेड। वाई? बिकॉज ऑफ सेबी नॉर्म्स द म्यूचुअल फंड प्रॉफिट्स आर गेट अफेक्टेड, तो प्रॉफिट इज आल्सो कमिंग डाउन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। देखिए पहले हम लोग कितना अच्छा होता था, अभी 3% आ गया बिकॉज ऑफ प्रॉफिट उसका वजह से, और वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर आल्सो सेम ट्रेंड विल कंटिन्यू। अच्छी बात है HDFC AMC डिस्ट्रीब्यूटिंग 60% प्रॉफिट एज ए डिविडेंड, दिस ईयर डिविडेंड दिया था 42 रुपीज़ का। अब देखेंगे तो जो एक्सपेक्टेशन है हम लोग को जो नेक्स्ट फ्यूचर एस्टिमेशन में 2030 में जो सेल्स है 4,670 करोड़ एंड प्रॉफिट है 3,080 करोड़, 2035 ओके 8,241 करोड़ सेल्स होगा और प्रॉफिट है इसमें से 5,800 करोड़, दिस इज फ्यूचर एस्टिमेशन। अब आया है फेयर वैल्यू। देखिए अभी जो फेयर वैल्यू है जो 2023 का नेक्स्ट ईयर का 2,752 रुपीज़ है और 2030 में 6,083 रुपीज़ है और 2035 में अराउंड 11,000, दिस इज फेयर वैल्यू। बोलता अभी पीएचडी एक्सप्लेन किया था जो बुरी समय में भी इसमें आ सकता है इसमें से, मगर प्रेजेंट करंट मार्केट प्राइस कितना है दोस्तों 2,100 रुपीज़ है।
इसका जो प्रेजेंट करंट मार्केट प्राइस मुताबिक डिविडेंड यील्ड आ रहा है 2%। इसका मतलब क्या है दोस्तों, दिस इज अभी जो वैल्यू बाइंग है, वैल्यू बाइंग में कर सकते हैं, इसमें से डिविडेंड यील्ड 2% दे रहे। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स का 63% है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन 12% है। इंडिया में जो LIC है वो मेन 8% रखा है, रिटेल इन्वेस्टर्स 12.6 है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4% है। अब देखेंगे जो टेक्निकल चार्ट में देखेंगे तो क्या है, एक बार नजर करेंगे। देखिए एज पर चार्ट है, एज पर चार्ट देखेंगे तो देखिए जो बाई वैल्यू है नियर 1800 रुपीज को बाई वैल्यू आ रहा है और टारगेट है नेक्स्ट ईयर हम लोग उम्मीद करेंगे 3000 रुपीज। पोर्टफोलियो 1% इसको हम लोग रख सकते हैं। दोस्तों आपको एक चीज बताता हूँ, एक अपना का कोई भी कंपनी को दो तरीके के इन्वेस्टर्स होता है, एक ग्रोथ इन्वेस्टर से एक वैल्यू इन्वेस्टर से। तो अभी जो प्रेजेंट फिलहाल मुताबिक HDFC में हम लोग वैल्यू बाइंग के लिए कर सकते हैं क्योंकि डिविडेंड यील्ड भी अच्छी आ रहे, डिविडेंड भी अच्छी दे रहे, तो थोड़ा थोड़ा होने के बाद इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जो शिप और एक्यूमुलेशन को। दिस इज द राइट टाइम है, करेक्ट टाइम है इसमें से दोस्तों। दिस इज द हम लोग को एस्टिमेशन है, जैसे जैसे अभी 9 मंथ्स आएगा नेक्स्ट ईयर ईयर एंड आके इसमें से सुधार देगा इसमें से। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग दोस्तों। दिस इज प्रेजेंटेशन इज ओनली एजुकेशन पर्पज ओनली, बिफोर बाइंग प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू, प्रॉफिट फ्रॉम इट, जय हिंद। थैंक यू, ओवर टू यू फिलिंग जी। जय हिंद पार्थ सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। और दोस्तों AMC सेक्टर जो है वो पिछले 2-3 साल से जैसे पार्थ जी ने बताया ये म्यूटेड है, लेकिन वो एक सेक्टर ऐसा है कि जिसमें काफी सारे नए लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जैसे अपनी इकोनॉमी बढ़ रही है उस तरीके से लोगों को अलग अलग एसेट क्लास चाहिए जिसमें वो इन्वेस्ट कर पाए। और जैसे सर ने चार्ट में बताया अभी, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वो बहुत अच्छा बाइंग लेवल है और यहाँ से स्टॉक डेफिनेटली डबल हो सकता है और ये अच्छे मेजर सपोर्ट लेवल पे है। बट हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है वो पूरा का पूरा स्टूडेंट के स्टडी पर्पज के लिए है, तो जो भी बाय और सेल का डिसीजन रहेगा आप खुद ले सकते हैं। तो ये बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए मैं पार्थ सर का धन्यवाद करना चाहूंगा और पीयूष सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि HDFC AMC जो 2-3 साल से म्यूटेड है, तो सर इसमें क्या किया जाए। मिलिंद भाई, पहला तो हम लोग जब ये लाइव एग्जांपल सब देख लेते हैं लाइव मार्केट में, तो ये बड़ी बहुत बड़ी लर्निंग देता है जो दूसरी जगह से नहीं मिल सकती है। दूसरी जगह मतलब लाइव एग्जांपल से बढ़िया लर्निंग और क्या हो सकती है। देखो क्यों मैं यहाँ पे कहता हूं, जैसे अभी आपने HDFC AMC का ये उदाहरण देखा, राइट, HDFC AMC जो पार्था जी ने समझाया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू पार्था जी, आपने बहुत ही सरलता से पूरा मैसेज डिलीवर किया है। देखो हमें क्या देखना है, HDFC AMC इंडिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी AMC, पहली दो AMC लिस्टेड नहीं है, तीसरे नंबर की AMC लिस्टेड है और अच्छी भी है। डेफिनेटली HDFC AMC इज अ वेरी गुड कंपनी। अब HDFC AMC पिछले साल से बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रही, तो कितनी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, राइट। देखो बहुत बार मैं लोगों को सुनता हूं, अरे ये कंपनी बहुत अच्छी है ले लो, वो कंपनी अच्छी है ले लो। कंपनी कितनी क्वालिटी वाली हो, ग्रोथ ना हो वो चलेगी नहीं, ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए, ग्रोथ इज मस्ट। देखो HDFC AMC जिसका 50% से ज्यादा बड़े मार्जिन रहते, कोई खर्चे नहीं होते ये सब कंपनियों के, तो प्रॉफिट आपको कंसिस्टेंट मिलना है। आपने ले लिया डिविडेंड, जिंदगी भर खाना ही है, बट स्टिल चल रही है क्या ये 2 साल से, वाय ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ क्यों नहीं है, अरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पिछले साल के मुकाबले तो 8.5% से ग्रोथ हुई है। 8.5% मतलब बहुत ज्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं है, पर फिर भी बुरा भी नहीं है ना। जैसा HDFC AMC के रिजल्ट है, ये तुम कितना बताया अभी पार्था जी आपने, 2% की 1% अब 8% ग्रोथ इंडस्ट्री का, पर कंपनी का खाली 0-2%, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या अपनी कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है, ऐसा हरगिज नहीं है दोस्तों। AMC की जो कंपनियां होती है उनको ग्रोथ किधर से मिलता है, या चैट बॉक्स इज ओपन दोस्तों, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, व्हाट सपोर्ट
द ग्रोथ ऑफ एएमसी इंडस्ट्री और यू कैन से व्हाट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. म्यूचुअल फंड के एयूएम को कौन बढ़ाता है? नंबर वन, आप लोग हर महीना एसआईपी करते हो, पैसा टगला भर भर के देते रहते हो, तो एक तो नया इनफ्लो आना है जो एयूएम को बढ़ाएगा. तो नया इनफ्लो तो बढ़ाता ही है, पर जब बाजार चल रहा होता है ना तब ज्यादा इनफ्लो आता है. देखो बहुत से लोग रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि चलते बाजार में नहीं डालने का पैसा, टूटते बाजार में डालने का, उनको कौन समझाए. तो वो तो उन्होंने एक किताब लिखी हुई है, पढ़ी हुई है, हर महीना पैसा डालो, तेजी हो या मंदी वो लोग पैसा डालते हैं. अब तेजी में वो भर भर के डालते क्योंकि रोज देखेंगे मेरा एनएवी बढ़ रहा है, मेरा एनएवी बढ़ रहा है. जब बाजार गिरता है तो पैसा नहीं डालते, बोले अरे मेरा एनएवी घट रहा है. असल में क्या करना चाहिए बताओ दोस्तों, बढ़ते एनएवी में डालना चाहिए कि गिरते एनएवी में डालना चाहिए? गिरते एनएवी में आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे, पर हकीकत ऐसी नहीं है. हकीकत यह है कि लोग पैसा डालने से डरते हैं जब बाजार गिर रहा होता है, तो एयूएम कम बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड के. और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात, एयूएम को दूसरी एक चीज बढ़ाती है, वो है बाजार. आपका बाजार जितना बढ़िया परफॉर्म करता है, एयूएम ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं. तो एयूएम 15-20% से तो यूं ही बढ़ जाते हैं, राइट? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके एयूएम 15% का ग्रोथ तो देते ही है, फंड इनफ्लो और मार्केट का बेनिफिट. अभी ये साल क्या है बोलो, फंड इनफ्लो कम है, मार्केट टूट रहा है, तो एयूएम ठीक ठीक बढ़ रहा है. अब एक तो एयूएम खाली 8% से बढ़ रहा है, दूसरा सेबी ने पिछले साल कैंची चलाई जबरदस्त कॉस्ट कटिंग, कि भी आप जो इतने सारे कॉस्ट कर रहे हो उस पे कैप डालनी पड़ेगी. तो इतने सारे सेबी ने चेंजेस किए, खास करके रिटेल इन्वेस्टर यानी जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनको ध्यान में रखते. तो ये इन्वेस्टर के लिए बड़े फायदे की चीज है. पर इसने दोस्तों एएमसी के रेवेन्यू को मारा है, इसीलिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 8% से बढ़ी, पर आपके एचडीएफसी एएमसी का रेवेन्यू खाली 0 से 2% से बढ़ा है, राइट? तो पहले समझो प्रॉब्लम किधर है. किधर प्रॉब्लम है? डिमांड में प्रॉब्लम है, बराबर है? अब दोस्तों मेरे को, मैं आप सब लोगों को तीन चॉइस आज देता हूं, तीन चॉइस. चॉइस नंबर वन, टाटा कंज्यूमर, 11% सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट भी बढ़िया. चॉइस नंबर टू, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, धमाकेदार डिमांड 23%, कंबाइंड रेशियो थोड़ा कम है वो सुधर जाएगा. एंड चॉइस नंबर थ्री, इन्वेस्ट इन एचडीएफसी एएमसी. तीनों टूटे हुए हैं, टाटा कंज्यूमर करेक्शन में है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 2 साल से चला नहीं है, और एचडीएफसी एएमसी भी बराबर टूटा हुआ है. तो आपको एचडीएफसी एएमसी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ये वैल्यू बाइंग पे मिल रहे हैं. सुना था अपने पार्था जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द इस्तेमाल किया था, एचडीएफसी एएमसी इज अवेलेबल एट वैल्यू बाइंग. तो एक वैल्यू बाइंग का ये स्टॉक हुआ, पर आप इसे क्या ग्रोथ बाइंग कहोगे? अगर आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लेते हो तो ग्रोथ एंड वैल्यू दोनों का संगम होगा. टाटा कंज्यूमर लोगे ग्रोथ का संगम होगा, वैल्यू अभी नहीं है, इतना नहीं टूटा है. पर जब आप एचडीएफसी एएमसी लेते हो ये प्योर वैल्यू बाइंग है, और वैल्यू बाइंग में तुरंत बाउंस नहीं होते, पेशेंस रखना पड़ता है, राइट? तो पहले किधर पैसा डालने का बोलो, टाटा कंज्यूमर आईसीआईसी लोम्बार्ड की एचडीएफसी एएमसी? मोस्ट प्रोबेबल आईसीआईसी लोम्बार्ड या टाटा कंज्यूमर पहली चॉइस होनी चाहिए, राइट? आपको बताया 2% डालना चाहिए आईसीआईसी लोम्बार्ड में, अरे मस्त ग्रोथ है, एकदम नीचे चल रहा है, 3% डालो ना, क्या टेंशन है. सेम थिंग इन टाटा कंज्यूमर. पर एचडीएफसी एएमसी हाई क्वालिटी कंपनी, डिमांड म्यूटेड है, पता नहीं कब सुधरेगी, स्टेक कम डालना चाहिए. पहली प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए, राइट? देखो दो प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं, दो प्रकार के. एक आप नए लोग, फर्ज कीजिए आपने कभी पैसा नहीं डाला शेयर बाजार में, आप अभी पैसा डाल रहे हो, यस एचडीएफसी एएमसी में आपको भी पैसा डालना चाहिए. क्यों? वैल्यू पे मिल रहा है, कल इंप्रूवमेंट आएंगे, राइट? थोड़ा थोड़ा करके आप इकट्ठा करोगे. अब जैसे हम लोग हैं, हम तो बरसों से एचडीएफसी एएमसी के आईपीओ से लेके बैठे, पर जब ग्रोथ कम है तो हम लोग जहां से थोड़ा पैसा निकाल के टाटा कंज्यूमर या लोम्बार्ड में डाल सकते, बराबर की नहीं? हम थोड़ा यहाँ पे
प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और वो पैसे को डाइवर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ग्रोथ किधर है, टाटा कंज्यूमर, लोमबार्ड, राइट। तो पहला दौड़ेगा कौन, वो सब दौड़ेंगे। तो इसको समझो, कभी एफआईआई बेचती है माल तो ये मत करो कि आप भी बेच दो, सबकी स्ट्रेटेजी अलग है। एक नया निवेशक जिसका 0% स्टेक है वो 5% स्टेक वालों को कॉपी करेगा, काम थोड़ी ना बनेगा। अब अपना सोचो, मेरे पास कितने शेयर है, उसके हिसाब से दोस्तों स्टेक बनाओ, बराबर है। वैल्यू, क्वालिटी, ग्रोथ तीनों को समझो और निर्णय लो, बढ़िया पैसा, तगड़ा पैसा बनेगा दोस्तों, राइट। सो थैंक यू वेरी मच टू पार्थ सारथी, एंड इट वॉज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, बढ़िया इंफॉर्मेशन आपके पास से हमको मिली, धन्यवाद। थैंक यू, नाउ विथ यू।